आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लेमन का और हरी मिर्चों का अचार। चलें आए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का चटपटा सा आज हम अचार बनाएंगे। मैंने पहली रेसिपी में जब मैंने लहसुनों का और आम का दिया था तो मैंने आपसे कहा था जैसे ही अचारी हरी मिर्च आ जाएगी, लेमन अच्छे आ जाएंगे, तो मैं आपको अचार बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको वही लेमन का और हरी मिर्चों का अचार बनाना सिखा रही हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे व्यूज़, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो बहुत पसंद करते हैं, प्लीज़ जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। ये मैंने 1 किलो के करीब, 1 केजी के करीब लेमन लिए, 1/2 केजी के करीब हरी मिर्चें। सबसे पहले हमने लेमन को और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद लेमन को मैं बीच में से कट लगा लूँगी। बस दो, एक लेमन को हम 2 बनाएंगे और हरी मिर्चों के बीच में कट लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये जो लेमन मैंने लिए थे, ये मैंने देसी लेमन लिए हैं, इसको सबको मैंने कट लगा लिया। एक लेमन के मैंने 2 हिस्से बना लिए क्योंकि बहुत छोटे लेमन थे, देसी लेमन थे। और इस जो हरी मिर्चें ली थी, अचारी हरी मिर्चें, इसके बीच में मैंने कट लगा लिया। इस तरीके से मैंने कट लगा लिया। ये दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, हरी मिर्चों को भी कर दिया और मैंने लेमन को भी कर दिया। हरी मिर्चों के अंदर मैंने 1/2 कप हल्दी का, हरी मिर्चों लेमन के अंदर, और साथ ही मैंने 1/2 कप नमक डाल दिया। नींबू के अंदर मैंने हल्दी और मैंने नमक डाल दिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। लेमन को भी कट लगाने और हरी मिर्चों के बीच में भी कट लगाने अच्छे तरीके से चमचे से हिलाना है इसको। देखें कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही आसान अचार बन रहा है, बहुत ही और मज़ेदार। सालों साल पड़ा रहेगा आपका ये अचार, ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको ढक दूंगी, 2 दिन के बाद मिलते हैं। 2 दिन के बाद हम मिलते हैं। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद हम अपने अचार को देखते हैं, नींबू का और हरी मिर्चों का। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है। 2 दिन तक हरी मिर्चें और नींबू को मैंने नमक और हल्दी डाल के रख दिया था। और अब मैं इसको बताती हूँ इसके अंदर क्या करना है। हमने एक टोकरी मैंने ले ली है, ये देखें कितना पानी है इसके अंदर जो निकला है, वो सारा पानी ज़ाया कर देंगे। नींबू के अंदर मैंने, हरी मिर्चों के अंदर सिर्फ नमक और हल्दी डाल के रखा था। 2 दिन हो गए। अब 2 दिन के बाद हमारे अचार की कंडीशन ये है और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, मगर अभी हमने कोई भी मसाला नहीं शामिल किया। ये जितना भी पानी है, कितना सारा पानी निकला है 2 दिन के नींबू के और हरी मिर्चों में, सारी नमक और हल्दी डाली थी, ये हम सारा ज़ाया कर देंगे और इसको टोकरी के अंदर ले जाने देंगे। अब जो मसाले शामिल होंगे उसके लिए मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून ही काली मिर्च ली है। 3 टीस्पून के करीब, 3 टीस्पून के करीब मैंने मेथरे लिए। 2 टीस्पून भर के मैंने साबुत लाल मिर्च लिए। सौंफ लिए 4 टीस्पून, धनिया लिया 4 टीस्पून, कुलंजी लिए 2 टीस्पून और राई मैंने ली है 3 टीस्पून। और तेल मैंने इसमें, जो सरसों का ऑयल जाएगा, तेल जाएगा, ये हमने लिया 1/2 केजी के करीब, 1/2 किलो। शुरू करते हैं हम। मसाले ब्लेंड होने वाले हैं, कुलंजी हमारी नहीं होगी, ये हमने ज़ीरा और काली मिर्च को करेंगे ब्लेंडर। साबुत लाल मिर्च जाएगी, इनको पहले ब्लेंड कर लेते हैं, फिर बाद में सौंफ और धनिया और राई को करते हैं। फिर मैं बताती हूँ इसको हमने किस तरीके से नींबू और हरी मिर्चों के अचार में डालना है। देखो हमने मोटा मोटा ही रखना है। और लाल मिर्च और ज़ीरा काली मिर्च कर ली, ये इसको मैं इस बाउल में डाल दूँगी। ये देखिए अब खाली मेथरे करेंगे। मेथरे भी हो गए, ज़्यादा बारीक नहीं हमने करना। साबुत धनिया हमने डाल दिया, इसमें सौंफ भी चली जाएगी। ये देखें सौंफ भी हो गई हमारी, साबुत धनिया भी हो गया, इसको भी मैंने मोटा मोटा रखा है। कुलंजी हमारी वैसे ही चली जाएगी इसमें। अब हम राई को करते हैं। राई भी हमारी मोटी मोटी सी हो गई, ये देखें। बिस्मिल्लाह, एक बॉल ले लिया मैंने और ये जो सारे मसाले थे इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 सरसों का तेल हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए, कितना नाइस सा मसाला बन गया इसका चाट का। सारे अचार के पानी निकल गया भाई, सारा पानी मैंने निकाल दिया अच्छे तरीके से। अब नींबू और हरी मिर्चों को हम इस मसाले में डालेंगे। ये देखें, हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त और लजीज अचार है, यकीन करें बहुत ही टेस्टी है। इसको खाली 2 दिन के लिए हम इस सरसों के तेल में और मसाले में रहने देंगे तो अचार हमारा अच्छे तरीके से, लेमन जो डाले हुए हमने ये गल जाएंगे। अभी हम 2 दिन तक इसी तरह रहने देंगे, 2 दिन के बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा और शामिल कर देंगे वरना हमारा अचार। देखिए मज़ेदार किस्म का अचार हमारा रेडी है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। ये देखिए मैं आपके इसको सारी लुक आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।